मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो क्लास है ये है नौ धारा की एक्सरसाइज बी। यहाँ पे आरएस अग्रवाल ने इतने क्वेश्चन दिए, सारे लाइन से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा पहले, इसके अपनी किताब उठाइएगा, सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है क्या है, देखिएगा, नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक नाव को निश्चित बिंदु तक धारा के विपरीत 6 किलोमीटर दूरी तय करने में वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। सांझ जल में नाव का वेग और धारा के विपरीत दिशा में जाने का समय ज्ञात करें। सवाल सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज बी है या ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, तो थोड़ा समझदार बनिए, सॉल्व करना है। देखिएगा, जैसे आपको बोला जाए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, एक नाव का वेग शांत जल में x है, शांत जल में x है, और धारा का वेग y है, ये धारा का वेग है y। देखो, जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा समझते हैं ना, धारा की दिशा मतलब, तो क्या है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो धारा की दिशा में जाएगी x प्लस y हो जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो x माइनस y हो जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, धारा की दिशा में वेग बढ़ेगा, विपरीत में क्या होगा, घटेगा। अब इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे होगा देखना। देखो, यहाँ पे नाव का वेग हमें नहीं मालूम है, नाव का वेग नहीं मालूम है, लेकिन धारा का वेग जो है वो हमें 4 दिया है। तो ये नाव का वेग जो धारा की दिशा में होगा वो x प्लस 4 होगा, और जो विपरीत दिशा में होगा वो x माइनस 4 होगा। जाना कितना है 6, यहाँ भी कितना 6, और दोनों का कुल समय कितना 2 घंटे। यहाँ पर बन गया द्विघात समीकरण, और जब भी द्विघात समीकरण होता है तो हम लोग सॉल्व नहीं करते, या तो क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं या तो एज्यूम करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन तो दिए नहीं है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ कुल समय 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऐसा रखो जो ऊपर 6 से कट जाए। आपने यहाँ पे 8 लिखा, क्या लिखा, 8। अब देखिए, अच्छा, जैसे आपने 8 लिखा तो ये मिल जाएगा आपको 6/12, और ये आपको क्या मिल जाएगा, 6/4 मिल जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, 1/2, और ये क्या मिला, 3/2। टोटल कितना मिल गया, 2। कुल कितना मिल गया, 2। कुल समय 2 आ गया। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया, 8। धारा की दिशा में जाने में लगा समय 1/2 घंटे, विपरीत में लगा 1.5 घंटे। ये इसको आपने कैसे किया, नंबर क्रंचिंग, नंबर मानना। अगर आप एक ऑप्शन दिए होते तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे, ये आपका पहला सवाल था, आप सभी को आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नदी में एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाने और वापस आने में 5 घंटे 15 मिनट लेता है। धारा के विपरीत 2D किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। तो बताओ 2D किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना है, कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत आसानी समझिए, बिल्कुल आसान है, कैसे करना है देखिए। पहले वो 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो 2 किलोमीटर आता है, डी आता है, समय लगता है 5 घंटे 15 मिनट। डी आता है, समय लगता है 5 घंटे 15 मिनट, क्लियर है। देखो, जब वो 2D जाएगा और 2D आएगा, मतलब पहले से दुगनी दूरी जाएगा और दुगनी दूरी आएगा, 2D जाएगा और 2D आएगा, तो समय 5 घंटे 15 मिनट का दुगना हो जाएगा, 10-30 हो जाएगा। अभी बताओ, 2D जाने का समय दिया है, आने का पूछा है, तो 10 में 7 माइनस कर लिया, क्वेश्चन का आंसर 3.5, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखो, पहले वो डी आया, समय 5 घंटे 15 मिनट, जब वो 2D आया तो समय 10:30 आ गया, जाने का समय दिया था घटा लिया तो आने का समय भी आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर तय करने लगता है। धारा का वेग 3 है तो धारा जल में स्टीमर का वेग, सभी ने सवाल पढ़ लिया होगा। चलो, कैसे आसान करना है ये सीखो, थोड़ा समझो। देखो, 20 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, आगे बोला था 50 किलोमीटर धारा की दिशा में, ऐसा उसने बोला। देखो, ये यहाँ से कट जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। यहाँ पे हमने क्या किया है, नाव की चाल को x मान लिया है और धारा की चाल को y मान लिया है, हमने दोनों वैल्यू मान ली है, ठीक। अब देखो, x प्लस y का मान ये, x माइनस y का मान ये। अब देखो, ये तो आप सभी को पता है, x प्लस y का मान मालूम है, x माइनस y का मान मालूम है। आप डायरेक्ट मान निकालना चाहो तो निकाल लोगे ना, 7/2 और 3/2, 7
बटे दो, तीन बटे दो में दो कट जाएगा, रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका है पता है आपको ना? नाव शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो सात और तीन, और यहाँ पे इसका वेग तीन ही दिया है, और तीन का मान तीन है तो सात का मान सात, तीन का मान तीन है तो सात का मान सात। आप क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे कर सकते हो देखना, ठीक है? कैसे कर सकते हो देखना, 20 किलोमीटर धारा के विपरीत है, 50 किलोमीटर धारा की दिशा है, ऐसा उसने बोला। इसको हटाओगे, दोनों को जोड़ के दो का भाग सात बटे दो, घटा के दो का भाग तीन बटे दो, रेशियो आ गया। तो यहाँ पे x का मान आ गया सात, y का मान आ गया तीन, ये सात तीन का रेशियो है, ठीक है? लेकिन तीन का मान तीन है तो सात का मान सात, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? बेसिक करना चाहो तो कैसे करोगे? हम बेसिक ऐसे कर सकते हैं, हमने माना नाव का वेग x है, x में कितना कम करेंगे तीन, और यहाँ पे क्या करेंगे 50 है, और यहाँ क्या कर देंगे तीन ज़्यादा, बस दोनों को बराबर कर लेंगे, मान निकाल लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर चार। एक नाविक 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाने में 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 10 घंटे लगता है। देखो सुनो कैसे करना है, ध्यान देना, थोड़ा समझना, ठीक है? तो हमने ये माना कि धारा की दिशा में चाल x है, दिशा में x है और विपरीत दिशा में y है। तो देखो क्या हुआ, 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में, आगे क्या बोला, 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में जो उसे टोटल समय लगता है वो लगता है 10 घंटे। आगे बोला 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, और आगे बोला 55 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में उसे समय लगता है कितना, 13 घंटे। समय कितना लगता है, 13 घंटे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस समीकरण एक और दो से हमें x और y के मान निकालने, फिर जोड़ के दो का भाग और घटा के दो का भाग देना है। कैसे करेंगे सुने, देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होते क्वेश्चन ऑप्शन बेस हो सकता है, दिमाग लगाना थोड़ा सुनना। देखो 44 और 55 दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर दोनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो नंबर कौन सा है, 11। दोनों में एक ही नंबर कॉमन है, 11 से भाग दिया 4 मिला, 10 में 4 गया तो यहाँ 5 आएगा, 5 का मतलब y का मान 6 आएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, देखो 11 और 6 को जोड़ के दो का भाग दो तो ये है नाव की चाल, 11 और 6 को घटा के दो का भाग दो तो ये धारा की चाल, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे और नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये मेथड जो हुआ नंबर क्रंचिंग है, नंबर मानना है। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, आपको ये समझा रहे हैं कैसे, अगर तुम्हें सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। 30 किलोमीटर धारा के विपरीत है, 44 किलोमीटर धारा की दिशा में है, समय लगा है 10, फिर आगे बोला है 40 किलोमीटर धारा के विपरीत है, फिर 55 किलोमीटर धारा की दिशा में है और समय कितना लगा है 13, समय कितना लगा है 13। अब दोनों में x और y का अगर एक मान क्लियर हो जाए तो अगला मान अपने आप आ जाएगा, अगर दोनों में एक का मान मालूम चल जाए अगला मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो क्या करोगे, 55 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। तो क्या करना है, 40 गुणे 44 माइनस 55 गुणे 30। आपने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, 11, तो 11 कॉमन हुआ कितना मिला 16, ये कितना मिला 15, सॉरी देखिए सुना सुनने, आपने जब यहाँ से 11 कॉमन लिया तो 4 मिला, 4, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई, गुणे 10 कॉमन ले लो तो 110 कॉमन आ गया, ऐसा कुछ आपको मिला, ठीक है? तो दूरी का अंतर 110 आ गया, ये बात समझ में आई, हमें इसको सॉल्व किया है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अंतर कितना आया 110, ठीक है? अब जैसे आपको y का मान चाहिए, जो मान चाहिए उसको हटा लो, आपको y का मान चाहिए तो y को हटा लो, x का मान चाहिए तो x को हटा लो, जो चाहिए उसी को हटा लो, ठीक है? तब तो एक मान अगर क्लियर हो जाए, अब क्या होगा, 44 गुणे कितना 13 माइनस 55 गुणे कितना 10, आप देख रहे हो इन दोनों में कॉमन क्या है, 11 है, तो ये कितना हुआ 13 चौको 52, ये कितना हुआ 50, तो कितना मिला 22, 22 आपने भाग दे दिया कितना मिल गया 5, जब 5 वाई का मान, एक मान आ गया, एक मान 5 आ गया तो अगला मान तो फिक्स, अगला मान तो आ ही जाएगा। आपको अगर अगला भी निकालना है तो देखो आप इसको हटा लो, अब क्या करोगे यहाँ पे, अब करोगे 30 गुणे 13 माइनस 40 गुणे 10, आपने देखा इन दोनों में कॉमन कितना है 10 है, तो ये हो गया 39, ये हो गया 40, अंतर आ गया 10, अंतर कितना आ गया 10। अब दूरी कितनी है, दूरी 110 थी, बटे 10 किया तो आंसर कितना आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका आंसर है 11, ठीक। जब 11 एक्स और वाई के मान आगे 11 और 5, बाकी आपको पता है, दोनों को जोड़ के दो का भाग, दोनों को घटा के दो का भाग। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ी मेहनत करना, थोड़ी सी मेहनत करना, आप इस टाइप के सारे सवाल कर पाओगे, ठीक है? और SST ने ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी बहुत पूछे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदर तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या है। देखिए कैसे करना होगा, ध्यान देना, सुनना, समझना, ठीक है?
एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाने में 4 घंटे लगते हैं। हमने ऐसा किया, माना सांत जल में नौ का वेग x है, धारा का वेग जो है, धारा का वेग क्वेश्चन ने 2 बोला है, तो धारा की दिशा में वेग हो गया x प्लस 2, धारा की विपरीत दिशा में हो गया x माइनस 2। अब देखो धारा की दिशा में ये है, धारा की विपरीत दिशा में ये है, पहले जो समय लगा था 4 घंटे, यहाँ समय लगा है 5 घंटे, दोनों को बराबर कर लिए, तो ये क्या हो गया 4x + 8 और ये कितना हो गया 5x - 10। तो यहाँ से जो x का मान मिला 18 मिला, और 18 क्या है सांत जल में नाव की चाल, 18 क्या है सांत जल में नाव की चाल। अब देखो 18 में अगर 2 जोड़ो तो कितना हुआ 20, और समय कितना 4, तो दूरी कितनी 80, 18 में 2 घटाओ तो 16, और 16 गुणे 5 करो तो भी कितना 80, दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर और आसान करना चाहते हो, और आसान, तो देखो सुनो, देखो जाने का समय आने का समय, ये जाने का समय और आने का समय है, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। अगर समय का रेशियो आपको मालूम है तो उल्टा अगर कर दो तो आपको ये आ जाएगा जाने की चाल और आने की चाल का रेशियो, जाने की चाल और आने की चाल का रेशियो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो तो 9 की चाल, घटा के 2 का भाग दो धारा की चाल, रेशियो आ गया 9 और 1, कितना आ गया 9 और 1। यहाँ पे 1 का मान क्वेश्चन में 2 दिया है तो 9 का मान 18 हुआ, 1 का मान 2 क्वेश्चन ने बोला है, उसने बोला है ना धारा का वेग 2 है, 1 का मान 2 बोला है, 1 का मान 2 तो 9 का मान कितना आ गया 18। ये बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। अब आगे ध्यान दो, 18 में अगर तुम 2 जोड़ दो तो दिशा में वेग 20 आ गया, समय 4 घंटे, दूरी कितनी 80, खत्म हो गया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे, सवाल बिल्कुल आसान था, आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सवाल देखिएगा, क्या एक नाविक को बाहों की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है और बाहों के विपरीत 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर जाता है सांत जल में नाव का वेग, तो वो कुछ नहीं करना है। अब ये पॉइंट तो सभी को मालूम है, अगर आपको धारा की दिशा में चाल दी जाए, धारा की दिशा में चाल दी जाए और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी जाए, तो धारा की दिशा में चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटे है, विपरीत चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटे है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग सांत जल में नाव की चाल, दोनों को घटा के 2 का भाग तो ये धारा की चाल, ये क्या है सांत जल में नाव की चाल, ये क्या है धारा की चाल, ये बात आप सभी को मालूम है, सभी ने पढ़ा है टाइप है, ठीक है। क्या करना है देखो, उसने क्या बोला, एक नाविक बाहों में मतलब धारा की दिशा में 3 घंटे 45 मिनट में दूरी कितनी जाती है 30 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में जाती है, और कितना जाती है 3 घंटे 45 मिनट। आप 3 घंटे 45 मिनट को ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, 45/60 मतलब 3/4, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे, तो क्या बना 15/4, कितना बना 15/4, 15 से भाग दिया 2, कितना मिला 8 मिला। अब यहाँ पे क्या करना है, धारा के विपरीत उसने कितना बोला है, विपरीत, विपरीत बोला है उतनी ही दूरी, नहीं सॉरी 15 किलोमीटर दूरी दी है 15 किलोमीटर, समय बोला है 2 घंटे 30 मिनट, तो 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2, तो 2 * 4 एक 5/2 आ गया, इससे काटा 3 तो ये आ गया 6। अब देखो धारा की दिशा में चाल ये आ गई, विपरीत में चाल ये आ गई, इन दोनों को जोड़िए 14 में 2 का भाग दिया 7, 8 + 6/2, ये बात समझ आ रही है ना, और दोनों का जब माइनस किया 8 - 6/2 कितना आ गया 1, तो यहाँ पे अगर बोला नाव की चाल तो आंसर क्या है 7 किलोमीटर, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल के अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझें, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है, एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के दिशा में तैरकर विपरीत दिशा में उसे 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है, तो इस दूरी को धारा के विपरीत तैरकर जाने में धारा की चाल क्या है। अच्छा देखो, जैसे ही उसने ये बोला कि समय 3 गुना लगता है, यहाँ से ये क्लियर हुआ धारा की दिशा और विपरीत दिशा में समय का रेशियो दिया है 3 गुना समय लगता है, तो इसकी जो चालकानुपात होगा, चालकानुपात 3:1 हो जाएगा, ये चालकानुपात धारा की दिशा और विपरीत दिशा की चालकानुपात है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 2, घटा के 2 का भाग 1, और 2 का मान 5, तो 1 का मान 2.5, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। देखो धारा की दिशा और विपरीत दिशा में समय का रेशियो दिया था, चाल का रेशियो उसका उल्टा हो गया, ये धारा की दिशा और विपरीत दिशा में चालों का रेशियो है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो क्या होगी नाव की चाल, घटा के 2 का भाग तो क्या होगी धारा की चाल। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला है क्वेश्चन नंबर आठ, ठीक सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे करना है, देखिएगा, ठीक है, आसान कर सकते हो लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखो।
एक व्यक्ति धारा के विपरीत बिंदु ए से बिंदु बी तक 21 किलोमीटर दूरी तय करने में ए तक आने जाने में 10 घंटा लगता है। तो देखो 21 किलोमीटर गया और 21 आया, धारा की दिशा में गया तो एक्स प्लस वाई, विपरीत गया एक्स माइनस वाई, और दोनों का समय जो उसने बोला है 10 घंटे बोला है। 21 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में गया तो हमने नाव की चाल यहाँ पे x मान ली और धारा की चाल को y मान लिया, धारा की दिशा में x प्लस वाई हो गया और विपरीत क्या हो गया x माइनस वाई हो गया, समय कितना 10 घंटे। अब अगली स्टेप में क्या बोला, यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर, धारा की दिशा में 7 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में वही समय लगता है। अब देखो 7 और 3 जोड़ के 2 का भाग दो 5 मिला, घटा के 2 का भाग दो 2 मिला, तो इससे क्या आ जाएगा 2x बराबर 5y आ जाएगा। क्या इतना क्लियर, क्या आ जाएगा 2x बराबर 5y। अब यहाँ पे मान रख दो 2x बराबर 5y, कुछ भी रख दो, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x का मान निकालोगे तो आ जाएगा 2.5y, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5y। आपने जैसे यहाँ पे भाग दिया, आपने ऐसे लिखा 3.5 का भाग दिया तो 6 बार गया, आपने इसे 2.5 से भाग दिया तो 14 बार गया, तो यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे कितना 10, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। ये बात समझ आई ना, y का मान 2, तो y का मान 2 जब आपने यहाँ रख दिया, y का मान 2 रखा तो ये आ गया 10 और ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सुनना, y का मान सॉरी यहाँ से क्या मिला 6, ये मिला 4, तो ये मिलेगा 2y, ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो y का मान मिल गया 2 मिल गया, यहाँ पे रखा तो एक भी आ जाएगा इसका, देखो 2y और ये था 2y और ये कितना था, ये तो 3.5 हुआ था तो ये आ गया 7, और ये कितना था, ये यहाँ पे मिला था हमें 2.5 में, ये गया तो 1.5 मिला तो आ गया 3। तो यहाँ पे इसकी चालें क्या हैं, 7 और 3, 7 और 3 का मतलब क्या है, 7 है धारा की दिशा में चाल और 3 क्या है, ये 7 क्या है सांत जल में नाव की चाल और 3 क्या है धारा की चाल। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए, ठीक है एक बार और क्वेश्चन और समझ लीजिए। सवाल ये बोला था एक नाव एक दूरी तक ए से बी तक 21 किलोमीटर तक जाना, तो जाना कितना है 21, वापस भी कितना आना है 21, गया है धारा की दिशा में और वापस आया है धारा की विपरीत दिशा में, आने और जाने में समय लगा 10 घंटे, कितना लगा 10 घंटे। जितने समय में धारा के दिशा में जाता है धारा के विपरीत 3 किलोमीटर वापस आता है, ऐसा उसने बोला। आप यहाँ से एक्स वाई का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 7x माइनस 7y बराबर 3x माइनस 3y, ऐसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, तो आपने जब इसको इस तरफ भेजा तो वाई एक तरफ कर लिया, एक्स एक तरफ कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा 4x बराबर 10y, 4x बराबर 10y, तो क्या मिला 2x बराबर 5y। आपने यही चीज़ पहले डायरेक्ट निकाली थी, बस यहाँ पे आपने मान रख दिया, बस जैसे मान रखा आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो x का मान आ जाएगा 2.5y, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 2.5y, ये हो जाएगा 3.5y और ये हो जाएगा 1.5y। आप सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखें। एक नाविक नदी में धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर जाने में 11 मिनट 15 सेकंड लेता है, कितना होता है 11 मिनट 15 सेकंड। उसने जैसे ही बोला कि 3/4 किलोमीटर की दूरी जाने में, 3/4 किलोमीटर की दूरी जाने में उसे समय लगता है, समय कितना लगता है 11 मिनट 15 सेकंड। तो 15 सेकंड आपने इसको ऐसा लिखा तो 1/4 11 से 1/4 मिनट मतलब 45/4 मिनट को घंटे में चेंज किया तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, मिला कितना 3/16, 3 से 3 कट गया, 16 ऊपर पहुंचा, वेग आ गया 4। ये क्या है धारा की विपरीत दिशा में। अब आगे क्या बोला, धारा की दिशा में इसी दूरी को तय करने में, तो धारा की दिशा मतलब 3/4 ही जाना है और समय दिया है 7 मिनट 30 सेकंड, समय कितना दिया है 7 मिनट 30, तो आप 7 से 1/2 या 15/2 लिख सकते हैं, 60 किया तो 4 मिला, 1/8 मिला, जब 1/8 मिला तो 8 पहुंच जाएगा ऊपर, इससे आपने काटा 2 तो 3 दूनी कितना आ गया 6, 6 क्या है धारा की दिशा में चाल, 4 क्या है धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो 9 की चाल आ गई 5, घटा के 2 का भाग धारा की चाल, 9 की चाल 5 किलोमीटर, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सवाल बिल्कुल आसान है, उम्मीद है आप सभी लोग कर पाओगे, ठीक है।
देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे किताबें मिसप्रिंट हैं, जहाँ पे 3.5 है यहाँ पे 4.5 कर लें, जहाँ पे 3.5 है वहाँ क्या कर लें 4.5। क्या है? एक तैराक शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। ये धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, धारा की दिशा में दूरी तय करने में लगे समय का दुगुना है, तो धारा का वेग क्या है? देखो यहाँ पे लगा समय जो है वो क्या है, दुगुना है। समय क्या है? दुगुना है। ठीक है, तो समय क्या रेशियो क्या हुआ, 2:1 हुआ, तो जो इनकी चालू का अनुपात होगा क्या हो जाएगा, 1:2। ये इनकी चालू का अनुपात मतलब धारा की दिशा और विपरीत दिशा की चालू का अनुपात है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो ये धारा की नाव की चाल, ये धारा की चाल का रेशियो आ गया 3:1। और 3 का मान 4.5 दिया है तो 1 का मान 1.5 आ गया, 3 का मान क्वेश्चन में दिया है 4.5, तो 1 का मान कितना, 1.5। तो उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले अगर आदर्श अग्रवाल की एक्सरसाइज ए देखिए, फिर बी देखिए। अभी यूपीएसआई के बैच में, यूपीएसआई के बैच जितने भी है वहाँ पे आदर्श अग्रवाल में पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ, फॉर्म आने तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-4-5 दिन में जल्दी कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, कुछ पुराने वीडियो हैं वो भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आगे वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी कंटिन्यू करिए, लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल आसान एग्जाम निकलना, बस कंटिन्यू निरंतरता बनाए रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू।